हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रसोई क्रिएशन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पालक पनीर की सब्जी। पालक पनीर की सब्जी बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट बनती है। आप रेस्टोरेंट स्टाइल के जैसे आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो पालक पनीर बनाने के लिए हमने टमाटर लिए है, प्याज लिया है, हरी मिर्च लिया, अदरक लहसुन लिया है और हमने पनीर लिया है। और पालक को हमने इधर पहले ही उबाल लिया है। उबाल के पालक को ठंडा कर लिया है। अब हमने एक पैन में ऑयल लिया है, उसमें जीरा छिड़का है, अब हमें इसमें सभी वेजिटेबल्स कटे हुए डाल देंगे। हरी मिर्च डाल दिए हैं, अदरक डाल दी, दो लहसुन के कले डाल दिए, कटे हुए कांदे डाल दिए। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए ऐसे सेक लेंगे कांदे को। हल्का सिकने के बाद में हम इसे टमाटर डाल देंगे। इसमें टमाटर डालने के बाद में 2 से 3 मिनट के लिए और सेक लेना है। अच्छे से नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे हमने पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, 2-5 मिनट के लिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद में हम इसे मिक्सर जार में पीस लेंगे। तो हम मिक्सर जार में पालक को पीसेंगे। पालक के साथ में ही हम ये सब वेजिटेबल्स को पीस लेंगे। कांदे लहसुन का पेस्ट भी बना लेंगे। तो हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए, हमारी इसकी बहुत ही थिक लग रही है कंसिस्टेंसी। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से ब्लेंड करेंगे 1 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ लग रही है। हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम वही कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा जीरा डाल देंगे। फिर हम ऑयल में ही मसाले डाल देंगे। लाल मिर्ची पाउडर लिया है 1 से 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और ये हमने लिया है पीसा हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ है। अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे मसालों को पका लेंगे। मसाला थोड़ा पकने के बाद में हम इसमें पेस्ट डाल देंगे, पालक और कांदे लहसुन का पेस्ट। जो आपने पेस्ट रेडी किया है वो पेस्ट इसमें मिक्स कर लो अच्छे से। हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम गैस फ्लेम पे पका लेंगे। तो आप देखिए, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है। 2-4 मिनट के लिए पकाने के बाद में देखिए, हमारे ग्रेवी अच्छे से रेडी हो चुका है। पालक पनीर रेसिपी बहुत ही सिंपल है, आप कभी भी बना सकते हैं। जब आपका मन करे तब बनाएं। तो हमने इसमें फ्रेश मिल्क का क्रीम यूज़ किया है, मिल्क मलाई। आप इसमें क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। अब गरम मसाला डाल दिया है और हमने नमक नहीं डाला था, नमक अब डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लो। तो हमने पनीर के
स्लाइसेस कट किए हुए थे, छोटे छोटे स्लाइसेस कट करके इसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार और रेस्टोरेंट स्टाइल की जैसे आप पालक पनीर बना के झट से तैयार कर सकते हो। इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। तो 2-3 मिनट हो चुका है, देखिए हमारे पालक पनीर की सब्जी कैसे लग रही है। तो पालक पनीर को गार्निश कर लेंगे मलाई से। फिर हमने पालक पनीर में पनीर का जो स्लाइस होता है उसको हम ऐसे ग्रिल कर लिए हैं ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे, गार्निश अच्छे से हो जाए। तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, यह हमारे पालक पनीर की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारे पालक पनीर की सब्जी? पालक पनीर की सब्जी आप जरूर बनाइए, आप अपने फैमिली वालों को खिलाइए, घर पे आए मेहमानों को खिलाइए। पालक पनीर की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल बनती है, टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसी बनी।